आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। जिला युवा कांग्रेस द्वारा लखनऊ में हुए एप्पल मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड के विवेक तिवारी को युवा कांग्रेस मुरादाबाद द्वारा स्थान पीलीकोटी से कंपनी बाग गांधी मूर्ति तक पैदल कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि मार्च यात्रा निकाली गई। और जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस अनिल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार में जनता कहीं भी सुरक्षित नहीं है। युवा कांग्रेस की शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि लखनऊ में हुए एप्पल कंपनी के मैनेजर की हत्याकांड की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तथा साथ ही विवेक तिवारी हत्याकांड के गमगीन परिवार को मुआवजा एवं नौकरी की अपील की। जिला युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मांग थी कि श्रद्धांजलि कैंडल मार्च को सफल बनाने में सभी युवा कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कैंडल मार्च की अध्यक्षता जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अनिल गुर्जर ने की। वहीं श्रद्धांजलि कैंडल मार्च में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, तथा साथ ही भवन में श्रद्धांजलि अपर मेजर विवेक तिवारी को दी, जिसमें राहुल शर्मा, नितिन कुमार, विवेक कुमार, अनमोल गुप्ता, सचिन कुमार, मुकेश मोनू, नीटू अभिनय आदि लोग मौजूद रहे।